हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल में काम करने आए कश्मीरी मजदूरों को छोड़ने गई बसें जम्मू के लखनपुर में फंस गई हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस और प्रशासन से सहयोग न मिलने के कारण ड्राइवर कंडक्टर परेशान हैं और करीब 100 से ज्यादा बसों को रोक लिया गया है। इन्हें वापस भी नहीं आने दिया जा रहा है। हिमाचल दस्तक ने गुमारवी से लखनपुर गई बस के ड्राइवर से बात की और पूरी व्यथा को सुना। एक वीडियो भी लखनपुर से वायरल हुआ है। अब प्राइवेट बस ऑपरेटर संघ ने सरकार के ध्यान में मामला लाया है तो अब माथापच्ची शुरू हुई है। देखिए लखनपुर का हाल। हाल है, हिमाचल सरकार ने हमारी गाड़ी यहाँ भेजी है लेकिन हमारी कोई पूछगिछ नहीं हो रही है। दो दो दिन से ड्राइवर भाई खड़े हुए हैं। हाँ जी सर, आप कितने दिन से खड़े हैं यहाँ? दो दिन से सर। आपको खाना खुना मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। पानी खाना कुछ नहीं, धूप से मर रहे हैं इधर। आपको कोई पूछने आया? कोई नहीं आया। हाँ जी सर, आप बताओ कब से खड़े हैं आप? दो दिन हो गए। अच्छा जी, आप खाना खुना खाया आपने? कुछ नहीं मिल नहीं रहा यहाँ पे। यार देखो सर, बुरा हाल है बसों का और बहुत लंबी कतार लगी है और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिससे हम बात करते हैं पुलिस वालों से, हमारे साथ बात नहीं करता है। तो सरकार से अनुरोध है कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। ये देखो हमारे ड्राइवर भाई बहुत परेशान है और बहुत पब्लिक है। और ये देखो हमारे ड्राइवर भाई के शूज भी चोरी हो गए। और देखो कितनी पब्लिक है यहाँ पर, कोरोना कितना कैसे हालात हैं और बंदे बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। और कोई प्रशासन कुछ नहीं पूछ रहा है। पठानकोट से हिमाचल दस्तक टीम की रिपोर्ट।